हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हमेशा लाइफ एंड आई होप यू लव यू। तो आज है इस रमज़ान का आखिरी जुम्मा, जिसे अलविदा जुम्मा भी कहा जाता है, और हमारे लिए बहुत ख़ास दिन होता है। वैसे तो हर जुम्मा ख़ास दिन होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही खास होता है। तो अभी ईद के लिए कुछ ही दिन बचे हैं, आज 25वां रोज़ा यानी कि 5 रोज़ा और बाकी है, उसके बाद में फिर ईद। तो अभी मैं आया हूँ कांदिवली वेस्ट में। ये है वर्ना फ्लोडी 2011 एंडिंग का मॉडल, टॉप मॉडल है। तो ये 2 महीने कुछ हुआ इसे लेके, और इसका शॉकअप ख़राब हो गया था, तो हमने चारों शॉकअप चेंज कराने के लिए लेकर आए हैं। तो मैं कुर्ला से इसका शॉकअप लेकर आया था, लेकिन मैंने कुर्ला की वीडियो नहीं बना पाया कुछ इसी वजह से, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, हालत बहुत ज़्यादा डाउन थी, और मेरे साथ में मेरा भाई था जो इधर लगा हुआ है काम पर। ये इधर काम पर लगा हुआ है, कैसा देखो। तो इसके साथ गया था मैं, मेरे अंदर बोलने की हिम्मत तो नहीं थी, तो मैं बस खाली चला गया था। ये बोल भी रहा था कि भाई तेरे को लेकर आगे कोई मतलब हुआ नहीं, तू बस आया और चुप है, क्योंकि बोलने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने कोरला का ब्लॉग भी नहीं बनाया। बाकी जो हम लोग शॉकअप जो लेकर आए हैं वो बहुत अच्छे प्राइस में मिल गया, और अच्छा शॉकअप मिल गया है। तो पीछे का शॉकअप लेकर आया था मैं, तो पीछे का शॉकअप लेकर आया था क्योंकि ज़्यादा शॉकअप इसका ही ख़राब हुआ है, और आगे का हम लोग रिपेयर करवाने वाले, तो आगे ज़्यादा टाइम जाने वाला है और पीछे कम टाइम जाने वाला है। तो आज पूरा दिन इसमें चले जाएगा, देखते हैं, अगर रफ्तारी से पहले पहले हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कल आके लेके जाएंगे, गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। सेकेंड हैंड गाड़ी की एक ख़ास बात है कि कभी भी अगर गाड़ी लोगे ना, तो लेने के बाद कुछ ना कुछ काम निकलता ही रहता है। तो जैसे भी एक तो ये शॉकअप का काम निकला वो अलग, और अभी हम लोग ने जैसे टायर खोले तो इसमें ये देखो ABS का वायर है कटा हुआ, मतलब मीटर में दिखा रहा था ABS गया हुआ है, तो आज अभी दिख रहा है कि यहाँ से ये काटा हुआ चुंगे ने। अब इसका जो जॉइंट है अंदर साइड में वो मिल नहीं रहा है, वो देख के जॉइंट कर देंगे तो काम हो जाएगा अपना। बाकी ये रहा इसका शॉकअप, जो अभी ये रिपेयर होने वाला है, दोनों रिपेयर होएंगे। पीछे का तो हम लोग कुर्ला से लेकर आ गए थे। दूसरी चीज़ इसके अंदर ब्रेक, जब हम मार रहे हैं यहाँ पर, जब मतलब स्पीड में ब्रेक मार रहे तो आवाज़ नहीं आ रही है, स्लो में ब्रेक मार रहे ना तो खच 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 आवाज़ जैसे आ रही है, जैसे पैड और डिस्क घसता है तो कैसा आवाज़ आती है, वैसी आवाज़ आ रही है। और एक चीज़, हमने जब ये गाड़ी लिए थे तो ये थी नॉर्मल पेट्रोल, प्योर पेट्रोल के साथ में बार गाड़ी थी, और जिससे हमने गाड़ी ली उसने हाथों हाथ हम लोगों को CNG लगा के दिया। तो CNG हमें लग के मिली नई, तो बहुत अच्छी है। और इसका जो फीडबैक है CNG में बहुत ही अच्छा है, और मतलब जो पिकअप है वो पेट्रोल से भी ज़्यादा फील होता है मेरे को, क्योंकि मैंने 6 सेकंड में 140 खोल दिया था इस गाड़ी को, 6 सेकंड में 140 खोल दिया था, कितना पावर दे रही थी CNG को। तो उस हिसाब से मेरे को मालूम तो पड़ रहा है कि ना CNG का अच्छा पावर है। कैसा लगा हुआ है, और बस अभी तक मैंने इस गाड़ी का एवरेज नहीं निकाला CNG पे क्या दे रही, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा। बहुत टाइम से मैं इस चीज़ में लगा हुआ कि इसका एवरेज निकाले कि CNG पे क्या एवरेज दे रही है। सब खोल खाल के रख दिए, तो बस जैसी रमज़ान ख़त्म होने वाला है वैसी ही ईद के दूसरे या तीसरे दिन हम लोग जाने वाले हैं लोनावला, लॉन्ग ट्रिप मारेंगे, तो उसमें अंदाज़ा हो जाएगा कितना एवरेज दे रही है फुल सिलेंडर पे, फुल CNG पे कितना एवरेज दे रही गाड़ी। तो ये है इसका लुक। अभी धीरे धीरे इसमें कुछ काम कराने का सोच रहे हम लोग, तो अभी तो फ़िलहाल जो मेजर काम है वो करवा रहे, उसके बाद में फिर हम लेट होएगा ना इसके बाद लेट। चलो डेप तो ये रहा, नहीं इसमें ही होगा ब्लेड वो है। पैन देखो, जॉइंट मिला क्या, नहीं मिला, मिल गया मिल गया, देख ले एक बार तो भी वही है क्या, उधर देख इधर देख कहाँ है,
बाहर निकाला देखना, निकाला सर पहले उधर देख ले। नहीं ये नहीं है, अलग है। हाँ अलग है, अलग है, अलग है। वहाँ कैसा है? वहाँ पे सेंसर लगा खींच खींच। अच्छा ऐसा है, क्लिप है। हाँ सेंसर नहीं क्लिप है। हाँ तो मैं इससे पहचान आ रही। अरे चांद भाई लेट नहीं, जरा लेट लेट। हाँ तो बस मैं इसी से पहचाना था, अंदर का बाहर सेम ऐसी है, वो भी ये ब्लैक एंड व्हाइट है, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट है। हाँ तो बस पर उधर अलग है ना, रेड है वो है, ब्लैक है। ब्लैक एंड व्हाइट है। हटा काट के देखते ना। हाँ मिलते गए। खाली यही है ना लग तो रहा, दिख रहा तो यही है। यहाँ पे नहीं है ना, ब्लॉक है। ये पूरा निकाल देता ना फिर इसी जगह। खुलते खोलने आते हैं क्लिप। हाँ क्लिप खोलने आते हैं। एक जो ABS का वायर जो कटा हुआ था वो मिल गया, अब इसको ज्वाइन करते हम लोग। देखिए रेड एंड ब्लैक है ना, ये वाइट एंड तो आया, इसको जोड़ते। मेरे पीछे किसी चीज़ की आवाज़ आ रही तो मैं अंदर जाके बताता हूँ। तो अभी हम लोग आए हैं टनल के पास। ब्रेक कैलिपर का जो दो पिन है वो रिपेयर करवाने के लिए। आपका बात कर क्या डेंडिंग है ये लगाया था ना पिछली बार, सेलो टेप लगाया था, सेलो टेप नहीं हो रही क्या बोलते हैं। अरे इतनी भी इतनी आवाज़ कर रही है, पूछना बस। अब पता नहीं ना यार यही पिन की वजह से आवाज़ आ रही है क्या, किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। पिन ही खराब हो गई थी भाई ये। अच्छा इसकी वजह से ब्रेक में आवाज़ आती थी, ब्रेक मारने में। ब्रेक मारने में क्या हो रहा है ऐसा, मतलब कैसे ब्रेक पैड नहीं खड़गड़ नहीं ब्रेक पैड, और जब वो घसता है तो कैसी आवाज आती है, खच 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 जैसी, उसी आवाज आ रही है। आती है सर स्लो में, पास में नहीं आती, नहीं पास में लूज है। ये है ब्रेक कैलिपर, इससे आवाज, मतलब इसमें जो दो पिन है ये जो दो होल देख रहे हैं, अब इसमें आवाज आ रही थी, इससे ही आवाज आ रही है नहीं आ रही है वो पता नहीं है, रिपेयर करवा के देखते हैं। अपना ब्रेक पेड का कैलिपर सही।
तो अभी काम रुक गया है हमारा, क्योंकि ये शॉप अब जो रिपेयर करते हैं वो अभी है नहीं, तो वो रिपेयर करने वाले आएंगे तो फिर हम लोग ये फिर ये रिपेयर होगा। तो ये आगे का शॉपअप है, इसका ये जो रबड़ माउंट है ये भी ख़राब हो गया है, तो ये भी चेंज होएगा, ये लेकर आना है। और ये भी कवर जो है ये भी ख़राब हो गया है, और ये कवर के अंदर जो रहता है ये भी ख़राब हो गया है, तो ये पूरा चेंज होने वाला है और ये रिपेयर होने वाला है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, पीछे अगर आपकी गाड़ी में सीएनजी है तो सीएनजी के लिए एक रबड़ का हाइट आता है, सीएनजी गाड़ी के लिए वो बेस्ट रहता है, क्योंकि आपकी गाड़ी बार ऐसा बैठेगी नहीं और ना ही गाड़ी जंप होगी ज़्यादा, तो उसके लिए बेस्ट रहता है, वो ज़रूर लगाना है। पीछे वाले शॉकअप के उसमें वो रबड़ का माउंट बैठता है, तो वो उससे लाइफ अच्छी रहती गाड़ी की, तो वो ज़रूर लगाना अपनी गाड़ी में अगर आपकी गाड़ी सीएनजी है तो। तो किसी रीज़न के वजह से काम रुक गया है, तो ये काम अभी कल ख़त्म होएगा, तो हम लोग यहाँ रुक के मतलब नहीं है। तो ये जो शॉकअप रिपेयर करते वो आ गए हैं, और ये शॉकअप फिटिंग करने वाले, तो अब ये काम ख़त्म करके हमको कल मिलेगा, तो हम कल आएंगे। ये शॉकअप लेके गए थे क्या? किसी के साथ अपने अपने शॉकअप भी चला आता तो फिर काम हो जाता है, आज ही हो जाता है ना। अगर इसके साथ चले जाता तो अपना भी काम हो जाता है। तो 10 मिनट तो बुला लेते हैं, यहीं पे आओगे रास्ते में सुबह में जितनी जल्दी आ गए ना तुम्हारा फटाफट काम चालू हो जाएगा। सुबह के टाइम क्या ना एनर्जी बहुत ज्यादा, उसकी वजह से मेरी थोड़ा सा ये हो गया। कोई नहीं, चलो और क्या, चोर से मत बता दिए बस। बस भाई वही जो तुम सामान लाओ बस वही फिट करनी, हाइट वाइट भी लागे जाती स्क्रीन पे सब सही रहे। चलो हम चल रहे फिर हैं। जी जी चलो फिर जाते हैं घर पे, और इसकी वीडियो तो इसके एंडिंग की वीडियो कल देखने की मिलती है, और क्या डिफरेंस आता है लगाने के बाद वो कल देखते हैं। चलो चांदी, अस्सलाम वालेकुम।